हेलो दोस्तों, आप लोग का यूएसडी टैग में स्वागत है। आज मैं आप लोग का जो क्लास सिक्स का स्टैंडर्ड सिक्स है उसका मैथ का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट ला दिया हूँ। तो देखो आपका पूरा मैं अच्छे से क्लियर प्रैक्टिस सेट जो हमारा वन है स्टैंडर्ड सिक्स का लिख दिया हूँ। डीपली मैं क्लियर आपको समझा देता हूँ पॉइंट वाइज। तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, लुक एट द फिगर अलॉन्ग साइड एंड नेम ऑफ नेम द फॉलोइंग। मीन्स ये हम लोग को क्या दिया, डायग्राम दिया गया है, इसको देख के हमको कुछ क्वेश्चन पूछा गया। चार क्वेश्चन है, कोलिनियर पॉइंट, रे, लाइन सेगमेंट एंड लाइंस। ये क्या होता है, चारों का हमको क्या करना है, इस डायग्राम को देख के आंसर लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दी कोलिनियर पॉइंट होता क्या है। तो आप देखोगे इधर कोलिनियर पॉइंट का मैं क्या रखा हूँ, आंसर भी लिख दिया हूँ। कोई भी ऐसा स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए जिसमें तीन या तीन से मोर पॉइंट, मतलब ज्यादा पॉइंट है, ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। मैं क्या बोला कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए जिसमें हमारा तीन से ज्यादा पॉइंट होना चाहिए, या तो तीन पॉइंट रहे, ऐसे पॉइंट को हम लोग कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमारा यम से लेकर टी तक खींचा गया, यम ओ टी, एक हमारा क्या स्ट्रेट लाइन है उसमें तीन पॉइंट है, एक हमारा ये हो गया और एक ये हमारा आर ओ टी एन, एक भी हमारा ए बी स्ट्रेट है, बट हमारा ओ से ए, ओ से पी हमारा इतना ही है, स्ट्रेट लाइन नहीं और दो ही पॉइंट है, ओ से एस भी हमारा, तो मतलब हम लोग का कोलिनियर पॉइंट कितना मिला, दो मिला। देखो इधर लिखा हुआ आंसर, कोलिनियर पॉइंट में हम लोग को दो पॉइंट मिला, पहला क्या मिला पॉइंट एम, पॉइंट ओ, पॉइंट टी, ये हमारे एम ओ टी एक कोलिनियर पॉइंट है, एंड सेकेंड वाला लिखा हुआ पॉइंट आर एंड पॉइंट ओ पॉइंट एन, ये हमारा क्या है कोलिनियर पॉइंट है। तो आपका दोस्तों फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग का रे, रे मीन्स क्या होता है, किरण। अभी जैसे कि कोई भी चीज आप मोबाइल का फ्लैश जलाओगे तो सामने साइड जाता है, एरो बना रहता है, कोई भी स्ट्रेट, मतलब जिधर आप जो चीज फोकस करोगे उधर ही जाएगा, तो रे भी हमारा वही होता है। देखो आंसर में लिखा हूँ रे ओ एम, मीन्स क्या, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इससे देखो हर एक साइड हम लोग का एक रे गया है, किरण गया, तो ओ एम, ओ पी, ओ एन, ओ टी, ओ एस, ओ आर, ये हमारा रे है, ओ एम, ओ पी, ओ एन, ओ टी, ओ एस एंड ओ आर, ये हमारा क्या हुआ रे कंप्लीट हो गया। ये पॉइंट से किधर भी कोई भी लाइन गया वे सब हमारा क्या होता है, रे होता है, एरो बना है। तो अब इसके बाद ये हमारा सेकेंड वाला भी कंप्लीट हो गया, एंड थर्ड में हम लोग को क्या दिया, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो आपको बता दूं, देखो लाइन सेगमेंट हम लोग को क्या दिया, सेगमेंट ई एम टी, सेगमेंट आर एन, ई एम टी, सेगमेंट हम लोग का क्या है आर एन, मतलब हम लोग का देखोगे तो इधर भी मैं आपको जब बताया ए मैच द कॉलम, तो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा कि सेगमेंट कौन सा है, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट मीन्स हम लोग का कोई भी लाइन रहे जिसमें दो पॉइंट रहे, ऐसे लाइन को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। देखो हम लोग का तीसरा क्या, लाइन सेगमेंट, अभी मैं बताया एम टी, एम से टी दोनों के बीच में दो पॉइंट है, तो हमारा लाइन सेगमेंट हुआ। अब सेगमेंट आर एन, आर एन ए भी हमारा एक दो पॉइंट से मिल रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट होगा। अब आप बोलोगे सर बाकी तो बाकी में सब लिखा हूं, अभी हमारा ओ एम भी होगा, ओ पी भी होगा, ओ एन होगा, ओ टी होगा, ओ एस होगा, ओ आर, देखो मैं सब एक एक लाइन से लाइन सेगमेंट लिखा हूं, बट हमारा एम से टी बड़ा था, इसके बीच में एक और आ रहा था, इसके लिए एम टी आर एन पहले हम लोग लिखे, तो आपको क्लियर समझ में आ गया रहेगा लाइन सेगमेंट क्या होता है। अगर कोई भी हमारा लाइन रहे दो पॉइंट रहता उसे हम लोग लाइन सेगमेंट, अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा पूरा क्लियर हो जाए। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, लाइन सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग का लाइन्स है, तो लाइन में देखो आपको क्या दिया, एक लाइन हमारा एम टी है, एम से टी तक एक हमारा क्या लाइन, मतलब लाइन और आगे हमारा बढ़ सकता है, ऐसे कोई हम लोग क्या बोलते हैं, एरो दोनों तरफ रहे जो कि और आगे हमारा लाइन बढ़ते जाए। एक लाइन हमारा एम टी हो गया, एक लाइन हमारा क्या होगा आर एन, जो एम टी भी आगे कितना भी बढ़ सकता है दोनों तरफ, और आर एन भी हमारा कितना भी बढ़ सकता है। तो ये देखो हमारा चार क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, चारों में आपका आंसर लिख दो, क्लियर आपको समझ में आ गया रहेगा। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन। हम लोग का एक लाइन बना कर दिया, इसमें सबका डिफरेंट लाइन लिखना नेम। अब इस लाइन से देखो एक हम लोग का तो स्ट्रेट में हम लोग को दिया लाइन एल, अब इसके लाइन एल के बाद हम लोग को क्या बोला लाइन ए बी, डिफरेंट नाम लिखना अलग अलग, तो लाइन हमारा ए बी हो गया, और दूसर का ए को ही पकड़ो, लाइन हम लोग बोल सकते ए सी भी हो गया, लाइन ए डी भी हो गया, हो गया। अब उसके बाद ए का काम खत्म, अब लाइन बी सी हो गया, यहाँ पर लिखा लाइन बी डी भी हो गया, लिख दिया। अब बी का भी काम खत्म क्योंकि यहाँ तक ही लेना है, अब लाइन हम लोग का सी डी, तो हमारा क्या हुआ डिफरेंट नाम। बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको खाली समझना है और फटाक से आंसर लिखना है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था वे भी क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। एंड अब लास्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो मैच द फॉलोइंग, हम लोग को मैच करना, मैं आपको करके दिया बट समझा रहा हूँ कि हम लोग का दोनों तरफ एरो रहेगा तो क्या होगा। तो जस्ट मैं अभी इधर लास्ट वाले में आपको लिखा लाइन,
लाइन मीन्स दोनों तरफ और कितना भी बड़ी हम लोग लाइन खींच सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं लाइन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों तरफ एरो रहेगा तो हमारा क्या होता है लाइन होता है। एंड दूसरा, अगर दोनों तरफ पॉइंट रहता है तो मैं अभी इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में समझाए, अगर हम लोग का दोनों तरफ पॉइंट रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं लाइन सेगमेंट बोलते हैं। एंड ये हमारा एक प्लेन है, मतलब कोई भी डायग्राम बनाना है तो हमारा क्या हो जाएगा प्लेन हो जाएगा। एंड इसके बाद हम लोग का जो फोर्थ वाला है रे, तो एक पॉइंट अभी यहाँ पर जैसे हम लोग सेंटर पॉइंट पकड़ के सब जगह किए मीन्स एक तरफ एरो रहे, आप मोबाइल का टॉर्च इसे जलाओगे तो इस साइड ही जाएगा, किधर भी आप करोगे उधर ही जाएगा, तो मतलब एरो आप जिस साइड करोगे उसी साइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं रे बोलते हैं। तो दोस्तों आपका जो स्टैंडर्ड 6 का प्रैक्टिस सेट 1 था वे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको डेली जो भी मैथ का वीडियो चाहिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 5th क्लास से लेकर 10th तक का, अगर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो अब भी कर लो, क्योंकि अब डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो मिलेगा, तो इसको कर लीजिए।